नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश ये कविता देखने वाले हैं। तो चलिए गीत फरोश इस कविता को देख लेते हैं। इस कविता का प्रकाशन एवं संकलन उसी नाम से, यानी गीत फरोश नाम से ही उनका एक कविता संग्रह है जिसमें इसको स्थान दिया गया है, और यह कविता दूसरे तार सप्तक में भी संकलित है। ठीक है, यह एक प्रगतिशील कविता है। व्यंग्यात्मक स्वर में लिखी गई यह कविता बदलते हुए समय में कवि कर्म में आने वाले बदलाव की ओर संकेत करती है। कविता के आरंभ में ही स्पष्ट हो जाता है कि बदलते समाज में कविता खरीदी और बेची जाने वाली चीज हो गई है। अंततः कवि विवश होकर फेरी वाले की शैली में गीत बेचने की बात करता है। यहाँ गीत फरोश का अर्थ है गीत बेचने वाला। ठीक है, तो कविता देखिए। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, यहाँ से लेकर जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि कहते हैं कि जी हाँ हुजूर, हुजूर यानी महाशय, मैं गीत बेचता हूँ। ग्राहक की मर्जी के अनुसार तरह तरह के और अलग अलग किस्म के मैं गीत बेचता हूँ। कवि यहाँ व्यावसायिक स्वर में कहता है कि पहले गीत यानी माल देख ले, बाद में दाम बता दूंगा। ये गीत निरर्थक नहीं है, इनकी उपयोगिता या लाभ भी बताऊंगा कि ये किस किस काम में आते हैं। कवि ने कुछ गीत मौज मस्ती और कुछ पस्ती यानी दोनों ही स्थितियों में लिखे हैं। कवि अपने गीतों की उपयोगिता गिनाते हुए कहते हैं कि यह गीत ऐसा है जो सख्त यानी पुराने से पुराना, जो सिर दर्द को भी ये दूर कर देता है। यह गीत ऐसा है जो पिया यानी पति को पास बुला देगा, यानी जिनके पति यानी पिया साथ नहीं है, उन्होंने अगर ये गीत गाया तो वे उन्हें पा सकते हैं यानी अपने पास बुला सकते हैं। कवि आगे अपने अत्यंत नाटकीय और सहज ढंग से कहते हैं कि पहले पहल जब मैंने गीत बेचना आरंभ किया था तो मुझे शर्म आने लगी थी या शर्म आई थी, लेकिन बाद में उसके पीछे पीछे अकल भी मुझे आ गई। जहाँ लोगों ने अपना ईमान किसी भौतिक वस्तु की भांति बेच डाला है, वहाँ गीतकार गीत क्यों नहीं बेच सकता, ऐसा सवाल कवि ने यहाँ पर किया है। यानी मनुष्य ही अपना मानवता धर्म यहाँ बेच रहा है, अपना ईमान बेच रहा है, तो मैं गीत क्यों नहीं बेच सकता, ऐसा कवि ने यहाँ प्रश्न किया है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, इसीलिए सोच समझ कर आखिर मैंने गीत बेचना अर्थात अपनी कलम की स्वतंत्रता को कुछ पैसों के लिए बेचना आरंभ कर दिया, ऐसा कवि कहते हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं। यह गीत सुबह का है, गाकर देखे, यहाँ से लेकर जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि ने आगे अपने गीतों की विविधता के विषय में कहा है कि यह गीत सुबह का है, उसको आप गाकर देख सकते हैं। यह गीत गजब का है, इसके द्वारा आप गजब ढाकर जो देख सकते हैं। कवि ने हर प्रकार की स्थितियों और मनस्थितियों में गीत लिखे हैं। एक गीत कवि ने सुनेपन में लिखा था तो दूसरा पूना शहर में लिखा था। यह गीत ऐसा है जो पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है, और दूसरा गीत ऐसा है जिसे जितना आगे बढ़ाना चाहो वह बढ़ सकता है। यह गीत ऐसे प्रभाव वाला है कि इसे सुनकर लोगों की भूख प्यास दूर हो जाती है, और यह गीत ऐसा है जो भुवाली नामक तपेदिक के अस्पताल की हवा जैसा असरदार है। एक अन्य गीत तपेदिक की दवा के समान है। इस प्रकार कवि ने सीधे साधे और अटपटे लगने वाले सभी प्रकार के गीत बेचे हैं, और कहते हैं कि मैं हर तरह के गीत बेचता हूँ। ठीक है, आगे की पंक्ति है। जी और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ, यहाँ से लेकर जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि एक अनुभवी और निपुण व्यवसायिक के रूप में कविता के ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ये गीत पसंद न आए तो मैं और भी गीत उन्हें दिखला सकता हूँ, यानी जिनको पसंद नहीं आए उन्हें और भी गीत दिखा सकता हूँ। यदि आप सुनना चाहे तो मैं इन्हें गाकर भी दिखला सकता हूँ। इनमें छंद और बिना छंद वाले हर प्रकार के गीत पसंद किए जाने लायक है। इनमें ऐसे गीत भी है जो अमर या कभी न मिटने वाले, और ऐसे गीत भी है जिनका प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है यानी वह तुरंत मर जाते हैं। कवि अपने व्यवसाय को चलाने के लिए समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाता है और हर तरह की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। अर्थात यहाँ स्पष्ट है कि यदि ये गीत
पसंद ना आ रहे हो तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मेरे पास तो कलम और दवात यानी शाही जो रखने का पात्र होता है दवात, वो दोनों है। यदि ये गीत अच्छे नहीं लगे तो नए गीत लिख देता हूँ, लिखता हूँ या लिखूँ क्या, ऐसा सवाल उन्होंने किया है। यह शाही जो और दवात यानी जो शाही रखने का पात्र है, दोनों भी बहुत व्यस्त है। यदि नहीं चाहिए या नए आपको चाहिए तो इन गीतों को और लिख सकता हूँ, आपके पसंदीदा गीत भी लिख सकता हूँ जो गए अर्थात पुराने काल के हो चुके हैं। ऐसे गीत भी है। आजकल कवि का धंधा यानी डबल दोहरा चल रहा है। कलम से गीत लिखते हैं और फेरी वाली की तरह कंधे पर रखकर बेचने लगे हैं। कुछ घंटे गीत को लिखने में लगते हैं और कुछ उन्हें फेरी लगाकर बेचने में लगाते हैं। लेकिन बेचने में लगी इस देरी के दाम आपसे वसूल नहीं करूँगा। कवि कहते हैं कि मैं तो नए और पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। ठीक है, आगे की पंक्ति है, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं। यहाँ से लेकर जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि ने आगे कहा कि उसने जन्म और मरण दोनों ही अवसरों के लिए गीत लिखे हैं। कभी विजय गीत लिखे हैं और कभी शरण गीत लिखे। कोई गीत रेशम का है, कोई खादी का, कोई पित्त का है, कोई बादी यानी रोग जो विकार है उसका भी है। कुछ अन्य डिजाइन के भी गीत भी हैं। इनमें इल्म वाला गीत भी है और फिल्मी गीत भी है जो नई और चलती चीज है। इनमें सोच सोच कर मर जाने का भी गीत है, दुकान से घर जाने का भी गीत है। कवि कहते हैं कि इसमें कोई दिल लगी या हंसने की कोई बात नहीं, कवि दिन रात गीत लिखते रहते हैं। इन सब रेशमी गीत, शरण गीत, फिल्मी गीत आदि गीतों के डिजाइन की सांकेतिकता कवि जीवन की विडंबना और विवशता को विभारती है। कवि का स्वर व्यंग्यात्मक होते हुए भी वस्तु स्थिति की गंभीरता की ओर संकेत करता है, इसीलिए तरह तरह के गीत बन जाते हैं। कभी ये गीत रुठते भी है लेकिन वे पुनः उन्हें मना लेता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। ये सारे गीत जो दिखाए हैं उनका ढेर लग गया है। ग्राहक की मर्जी है, यदि नहीं खरीदते तो इन्हें हटाया जाता है। बस अब अंतिम एक गीत और दिखलाता हूँ या फिर कैसा गीत चाहिए आपको, ऐसा सवाल भी या प्रश्न भी कवि ने पूछा है। इसके बारे में आप अपने भीतर जाकर पूछ कर आइए। वैसे यह भी सही है कि गीत बेचना पाप है, लेकिन मैं लाचार हूँ, अंततः हार कर गीत बेच रहा हूँ। कवि की लाचारी अंत में उसके द्वारा वस्तु स्थिति की विवशता या वस्तु स्थिति की ओर संकेत करती है। इस प्रकार इस भौतिकवादी समाज में कवि अपनी और अपने गीतों की स्वतंत्रता या स्वतंत्र चेतना को बेचने के लिए विवश हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। अभी इस कविता के जो निष्कर्ष है इस तरह है, भौतिकवादी समाज में कवि अपनी चेतना को बेच रहा है। साहित्य क्षेत्र की वस्तु स्थिति का चित्रण कवि जीवन की विडंबना और विवशता का चित्रण करते हैं। कवि लेखक का समझौतावादी दृष्टिकोण है। साहित्य व्यवसाय बन चुका है। साहित्य और समाज में हो रहे अनिवार्य बदलाव की ओर सूचना कवि ने की है। साहित्य में विविधता इस कविता के माध्यम से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।